ऐसी इस बार वीडियो दिखाएंगे ना यहाँ पर दराई हिल्स की, बने रहो चैनल में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस खूबसूरत सुबह के साथ आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे आज के इस नए ब्लॉग में। और यहाँ पर आप मौसम देख सकते हो, आप काफ़ी ज़्यादा खुला हुआ है क्योंकि दो तीन दिन से लगातार बारिश हो रही थी और आज मौसम काफ़ी ज़्यादा खुल चुका है और काफ़ी ज़्यादा धूप आ चुकी है। और इसलिए हमने सोचा कि हम यहाँ से कहीं चलते हैं घूमने के लिए, और हमने जगह डिसाइड की है दलाई हिल्स, जो कि यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पर है मसूरी में। और आज हम वहाँ जाएंगे और आपको भी वहाँ दलाई हिल्स में घुमाएंगे। चुका हूँ मैं मसूरी के बस स्टैंड पे। यहाँ पर ये है बस स्टैंड और यहाँ पर यहाँ से टैक्सी लेते हैं यार, क्योंकि यहाँ से दलाई हिल्स काफ़ी दूर है, 7 किलोमीटर दूर है। मैं थोड़ा गलत आ गया स्टैंड पे, मुझे रुकना था नीचे लाइब्रेरी चौक पे और मैं गलत जगह उतर गया, इसलिए यहाँ से जाना पड़ेगा टैक्सी पे। और हमको एक भाई मिली, इसके साथ मैं टैक्सी यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। और यहाँ से ये भाई जा रहे हैं लसवाना लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी में, और उनके साथ हम टैक्सी शेयर कर रहे हैं आज। फाइनली पहुंच चुका हूं मैं मसूरी के लाइब्रेरी चौक पे। ये यहां पर सामने देख सकते हो, यहां पे ये है लाइब्रेरी चौक मसूरी का, और यहां से दलाई हिल्स का रास्ता इस साइड है, और दलाई हिल्स का यहां से अभी 3 किलोमीटर और है। यानी मेरे को अभी विक्रम या ऑटो देखना पड़ेगा यहां से। वैसे मुझे लगता नहीं यहां पे विक्रम ऑटो होंगे, कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा वहाँ जाने के लिए। तो यहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुका हूँ और यहाँ से अब खड़ी चढ़ाई स्टार्ट होगी थोड़ी सी, यहाँ से थोड़ी चढ़ाई चढ़ने के लिए। ये देखते हैं यहाँ पर चढ़ाई। फाइनली पहुँच चुके हम उस जगह पर, अरे देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर कोहरा काफ़ी ज़्यादा कोहरा हो गया यार, कसम से ये कोहरा ही कोहरा हो गया हर साइड यहाँ पर अभी। और गाइस अब बात करते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में, दलाई हिल्स की। ये बात है 1959 की, जब तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा यहाँ पर आए थे, और यहाँ पर एक साल रहने के बाद जब वो वापस धर्मशाला यानी हिमाचल चले गए थे, तो यहाँ पर जो उनके कुछ लोग थे यहाँ पर रुक गए थे, और तभी से यहाँ पर बस गए, रेफ्यूजी की तरह यहाँ पर बस गए थे। और यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा क्षेत्र ही उनके यहाँ पर, हर जगह यहाँ पर बस रखी है, यहाँ पर उनका स्कूल भी है तिब्बतियों का, यहाँ पर पूरे तिब्बती रहते हैं यहाँ पर, और इसलिए यहाँ पर इस हिल्स को दलाई हिल्स कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले दलाई लामा आए थे, उन्होंने यहाँ पर इस क्षेत्र को यहाँ पर बसाया, तिब्बतियों का रेफ्यूजी कैंप है यहाँ पर। ये था इसका इतिहास। और गाइज मैं यहीं पर घूम रहा था और हमको यहाँ पर हमारे एक भाई मिले। हाय ब्रदर। भाई आप कहाँ से हो? भाई आई एम फ्रॉम इलाहाबाद। भाई का चैनल को सपोर्ट करो यार, सिस्टम खास दो लाइक वर्क छोड़ दो, और भाई का भी चैनल है देसी ज्ञानी करके, उसको उस पर भी आओ। और भाई साहब आपको मतलब ऐसी इस बार वीडियो दिखाएंगे ना यहाँ पर दराई हिल्स की, बने रहो चैनल में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। सच में यार मसूरी में बहुत ही बड़ा जगह है दराई हिल्स, मतलब आप जब भी आपको टाइम मिलता है मतलब एक बार यहाँ पर जरूर आए। बिल्कुल बिल्कुल। और आगे यार मतलब थोड़ा सा चिल करो लाइफ में, है क्या, देखो आप सिटी लाइफ में बिजी रहते हो, आओ वीकेंड्स पे मजा करो यार, कमाते किस लिए हो यार तुम, बताओ किस लिए कमाते। सही बात है यार, ठीक है बाय बाय। और भाई से मिलके ना बहुत अच्छा लगा यार, कसम से भाई। सेम ब्रदर, सेम यार। अभी भाई यहाँ पे बैठे थे तो भाई से मैंने हाय हेलो बात किया, भाई निकाल के मेरे फोटो वाटो खींच दो। यार थोड़े बात करने को वो होता है, लेकिन एक बार स्टार्ट करते हैं ना तो फिर अच्छे से जाने को अच्छी बॉन्ड बन जाती है, क्योंकि मैं हर जगह जाता हूँ तो मुझे नए नए लोग मिलते हैं, उनसे बात करता हूँ, अच्छा लगता है मेरे को। स्टार्टिंग में सोचता हूँ यार इनसे क्या बात करूँ, पर जब बात होती तो लगता है यार ये भी तो कितने अच्छे इंसान है। हर कोई अच्छा इंसान होता है यार, मतलब बॉन्डिंग बन जाए अच्छी ना ब्रदर। अजनबी से बात करके तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्या बात है यार। ओके ब्रदर। और यहाँ पर आगे बहुत ही सुंदर लोकेशन है, बहुत ही सुंदर। ओ भाई, और ये ग्राउंड देखिए गाइस आप, मुझे लग रहा है ये कैंपस शायद लवासना का है, लाल बहादुर शास्त्री, जहाँ पर IPS और IAS सिलेक्टेड कैंडिडेट की ट्रेनिंग होती है 1 साल की, मुझे लग रहा है शायद वही है ये।
हो सकता है शायद वही है, क्योंकि वो कैंपस मसूरी में ही है। और अभी आया हूँ मैं उस वाली चोटी से यहाँ तक, और आगे यहाँ पर रास्ता काफ़ी नीचे तक है, यहीं तक जा रहे हैं सारे टूरिस्ट लोग हैं घूमने के लिए, अपने पिकनिक मनाने के लिए। तो भाई साहब मैं काफ़ी नीचे आया हूँ, यहाँ पर थोड़ा बैठ गया हूँ, मैंने कहा थोड़ा बैठ लेते, थोड़ा थकान कम करते हैं अपनी, क्योंकि थकान तो लगी जाती है। और जब तक मैं यहाँ पर रेस्ट करता हूँ तब तक आप ये वाला सिनेमैटिक शॉट चेक करो यार, सिनेमैटिक कहो या टाइम लैप्स चेक करो, एक नंबर का टाइम लैप्स है। यहाँ धुंध इतनी ज़्यादा है ना, अभी यहाँ पर ग्राउंड दिख रहा था साफ साफ, और अभी यहाँ पर ग्राउंड नहीं दिख रहा। यहाँ पर ऐसा लग रहा जैसे मैं ऊपर और आसमान नीचे, ये वाला गाना। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं हम यहाँ से बाहर, हमारे साथ हमारे भाई भी आ चुके हैं भाई, और यहाँ पे कसम से एक नंबर मजा आया, मतलब बहुत ही बढ़िया जगह है यहाँ पे घूमने के लिए। और जब भी आप आते हो मसूरी साइड तो इस जगह को घूमना बिल्कुल भी मिस ना करें, अगर आप इस जगह को मिस करोगे तो आप फिर बाद में पछताओगे, इसलिए ज़रूर आए यहाँ पे यार, कसम से बहुत ही बढ़िया जगह है। और अभी यहाँ पे थोड़ा मौसम भी बिल्कुल साफ़ हो चुका है, मतलब बादल छट चुके हैं और अब थोड़ा ठंड भी लग रही है मेरे को। और अब यहाँ से चलते हैं वापस लाइब्रेरी चौक, और वहाँ से लेंगे अपनी बस और वहाँ से चलेंगे देहरादून, और यहाँ से जाऊँगा मैं बाइक के साथ स्कूटी पे, क्योंकि भाई ने ला रखी रेंट पे स्कूटी, तो मैंने कहा यार क्यों साथ में चले। आधे टाइम काफ़ी दिक्कत हुई यार कसम से, बहुत दिक्कत हुई मेरे को आधे टाइम, पर अब जाते टाइम इतनी दिक्कत नहीं होगी, तो आप जरूर आए यहाँ पे चेक करेंगे लोकेशन। गाइस फाइनली गाइस फिर से पहुंच चुका हूं मैं यहां लाइब्रेरी चौक पे, और यहां पर हमको एक भाई मिले हैं, भाई नेपाल से। भाई कहां से हो जी? सबसे नमस्कार, मैं नेपाल से हूं, काठमांडू से। अच्छा, और कैसा लगा आपको उत्तराखंड में? बहुत बढ़िया लगा, यहां पे देवभूमि बोलते थे, यहां के जो भगवान प्रति जो आस्था रखते हैं ना यहां के लोग, वो सबसे अच्छा लगा मुझे यहां के आके, और यहां पे सबसे बड़ी अलग ही फीलिंग आती है जो आज यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा है कसम से, जी, कसम से बहुत ठंड है और मौसम भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पर लाइब्रेरी चौक की भीड़ दिखी यार कसम से, बहुत ही ज्यादा भीड़ है यहाँ पर। और सामने यहाँ पर ये रहा अपना देहरादून द सिटी ऑफ लव, ये यहाँ पर थोड़ा बादल है आसमान पे तो साफ है, ठीक है। और भीड़ देखिए यहाँ पे, भीड़ बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पे यार लाइब्रेरी चौक पे, ये भीड़ देखिए ना आपको मजा आ जाएगा लाइब्रेरी चौक का। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.